हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं सीएमए इंटर लॉ वाले पोर्शन की अमेंडमेंट्स, जो कि रेलेवेंट है दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। अगर मैं इन अमेंडमेंट्स की बात करूं तो आपको पता है कि आपका सीएमए इंटर लॉ जो है उसका पेपर नंबर है पेपर सिक्स ओल्ड सिलेबस के लिए। न्यू सिलेबस तो अभी इफेक्टिव ही नहीं होगा, तो आपको पता अगले साल जून 23 से इफेक्टिव होगा। तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अभी दिसंबर तो ओल्ड सिलेबस का ही है। तो पेपर सिक्स है, आपको पता 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। उसके अंदर आपको पता है 100 नंबर के लॉ में चार चीजें आती हैं, कंपनी लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, कमर्शियल लॉ है और एथिक्स है। एथिक्स आपका 10 मार्क्स का है, कमर्शियल लॉ आपका 30 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ आपका 25 मार्क्स का है एंड कंपनी लॉ आपका 35 मार्क्स का है। अगर मैं आपसे अमेंडमेंट की बात करूं तो इस पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, इस पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, इस पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, खाली इसी पोर्शन में अमेंडमेंट है। बाकी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, एज इट इज सेम है। अगर मैं आपसे बात करूं अमेंडमेंट्स की रेलेवेंट फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट, तो आप लोगों को पता होगा आप जब भी पेपर देते हो तो उससे 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट आपके पेपर में आती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो अप टू 30 मई 2022 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, मैं तो तुम्हारे लोगों को, मैंने कई बार ऐसा भी ट्रेंड देखा है, क्योंकि आप लोगों में 30 मई तक आती है, सीएस में 30 जून तक आती है ना। तो मैंने तो ट्रेंड ये भी देखा है कि सीएस के हिसाब से 30 जून आती है, ये लोग 30 जून तक की भी पूछ लेते हैं। तो आप ये मान के चलो कि मैं तुम्हारे को अप टू 30 जून तक की करा दूंगा। अगर ये पूछ भी लेंगे 30 जून 2022 तक की, मैं तुम्हारे लोगों को करा दूंगा। ये तो हो गई बात अमेंडमेंट्स की। आपको पता होगा कि इस वाले पोर्शन में ना, आपको पता पिछले 6 महीने की अमेंडमेंट आती है। तो मैं जो यहां पे अमेंडमेंट करवा रहा हूं तुम्हारे को, कब से लेकर कब तक की करवा रहा हूं, मैं तुम्हारे को करवा रहा हूं 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 मई 2022 तक की। जिन बच्चों ने जून में अटेम्प्ट दिया था, जून 2022 में अटेम्प्ट दिया था, उन लोगों के लिए कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट थी? उन लोगों के लिए अमेंडमेंट्स रेलेवेंट थी 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक की 2021 तक की। ये वाली जो अमेंडमेंट थी कौन से अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट थी? जून 22 के लिए रेलेवेंट थी। फिर उसके बाद 30 नंबर के बाद 1 दिसंबर से लेकर 2021 से लेकर 30 मई 2022 तक की अमेंडमेंट किसके लिए रेलेवेंट है? 20 दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। तो मैं जो अभी तुम्हारे को अमेंडमेंट करा रहा हूं वो खाली ये वाली करा रहा हूं जो दिसंबर 22 के लिए रेलेवेंट है। जो जून 22 के लिए रेलेवेंट थी वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा रखी है और मैंने उसकी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। तो अगर आप बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा हमारे से ही पढ़ रहा है और उस वो जो हमारे से लॉ पढ़ रहा है, पर ध्यान सुनना मैं इसमें क्या बातें करने जा रहा हूं। तुम्हारे को बुक्स के बारे में बता देता हूं। आपको पता होगा हमारे बुक्स के अलग अलग एडिशन आते हैं ना। अब तुम्हारे को उसके बारे में एक बात बता देता हूं, लिख लेना अपने पास। एक मिनट रुको। देखो, जिस बच्चे के पास हमारी 5th एडिशन बुक है, जिस बच्चे के पास हमारी सीएमए इंटर की 5th एडिशन बुक है, उस बच्चे को हमारी खाली ये वाली अमेंडमेंट करनी है जो दिसंबर 22 के लिए रेलेवेंट है। बस ये वाली 10-12 पेज की है, मुश्किल से 8-10 पेज की। तो क्या बोला मैंने, जिस बच्चे के पास हमारी 5th एडिशन बुक है उसको खाली ये वाली अमेंडमेंट करनी है जो दिसंबर 22 के लिए रेलेवेंट है, और जिस बच्चे के पास हमारी 6th एडिशन बुक है लेटेस्ट वाली, उसको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी, वो सारी अमेंडमेंट उसकी बुक में ही कवर है। और अगर किसी बच्चे के पास हमारी 4th एडिशन बुक है, इससे भी पहले वाली, 5th से भी पहले वाली, तो उसको 2 अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी। एक तो वो वाली जो जून 22 के लिए रेलेवेंट थी जो पहले ही हो चुकी है, और एक वो वाली जो दिसंबर 22 के लिए रेलेवेंट है वो वाली। और अगर कोई बच्चा हमारी अकेडमी का नहीं है, दूसरी अकेडमी का है, तो आप इससे कैलकुलेट कर लो कि आपने अपने टीचर से क्लास कब ली थी। देखो, दिसंबर 22 वाली तो आपको करनी है, अगर कोई बच्चा हमारी एकेडमी का नहीं भी है तो उसको दिसंबर 22 वाली तो करनी ही है। लेकिन अगर उसने अपने टीचर से पहले कभी पुरानी क्लास ली थी तो आप जून 22 वाली भी मेरे से ले लेना। और जून 22 वाले की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है अमेंडमेंट की, मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दिसंबर 22 वाली जो अमेंडमेंट है ये तो अभी मैं करवा ही रहा हूं तुम्हारे को इस वीडियो में, तो तुम्हारी दोनों अमेंडमेंट कवर हो जाएंगी। और इन दोनों अमेंडमेंट के नोट्स मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजनी है, आपका नेम एक्स वाई जेड जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, एंड आपका पर्पस,
पर्पस में आप लिखोगे अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर। देखो रेलेवेंट फॉर, अगर आपको खाली दिसंबर वाली चाहिए तो आप दिसंबर 22 लिख देना, अगर आपको जून 22 वाली भी चाहिए तो एंड जून 22 भी लिख देना, तो दोनों दे दूंगा मैं आपको। मेरा नंबर क्या है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वैसे आपको दिख रहा होगा फिर भी लिख देता हूं, 880-22-33-513, 880-22-33-513। फ्री ऑफ कॉस्ट है अमेंडमेंट के नोट, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी डिटेल्स। कॉल नहीं करनी है, खाली मैसेज करना है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। चलो अब अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं अपनी और आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। ठीक है जी, चलो एंड ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल लव इट। अच्छा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगानी है व्हाट्सएप के, ताकि सारे दोस्तों के साथ शेयर हो, उनका हेल्प हो सके। और लव यू ऑल, टाटा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अमेंडमेंट की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, मैं इसमें मर्ज कर रहा हूं उसको, अब अमेंडमेंट चालू हो जाएगी। तो गाइज अब हम अमेंडमेंट करनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। पहली अमेंडमेंट आई है हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर में, और वो क्या अमेंडमेंट है, एक नया सब रूल ऐड हुआ है, रूल 3 सब रूल 5, एक नया सब रूल ऐड हुआ है। पहले आपको, आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी कि व्हाट इज चार्जेस, आपको ये चार्जेस वाली बात सबको क्लियर होगी कि चार्ज क्या होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक मिनट लगाकर रिमाइंड करा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। हमारे कंपनी लॉ में चार्जेस के जो सेक्शन है वो है सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। जो कंपनी लॉ में चार्जेस में सेक्शन डील करते हैं वो कौन कौन से हैं, सेक्शन 77 से 87। चार्ज होता क्या है, चार्ज का मतलब होता है क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इन लियू ऑफ लोन। जब मैं कोई सिक्योरिटी क्रिएट करता हूं सामने वाले के फेवर में और बदले में उससे लोन लेता हूं, सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब है कि जब मैं सामने वाले के पास कोई चीज गिरवी रखता हूं और बदले में उससे लोन लेता हूं, दैट इज चार्ज। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक एसबीआई बैंक है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, यह कंपनी इस बैंक के पास गई और इसको बोला कि मेरे को लोन दे दे 2 करोड़ रुपए का, या मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का। मान लो इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का लोन के लिए अप्लाई करा, तो बैंक कहता है कि भाई हम लोन तो दे देंगे लेकिन बदले में आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, कोई लैंड वगैरह मॉर्गेज करनी पड़ेगी, उसके बाद देंगे। मान लो इस कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने एसबीआई बैंक के पास अपनी एक लैंड मॉर्गेज कर दी, लैंड गिरवी कर दी, एंड बदले में एसबीआई बैंक ने क्या कर दिया, 100 करोड़ का लोन ग्रांट कर दिया, इस एक्स लिमिटेड को दे दिया। तो जब इसने लोन दिया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एसबीआई बैंक हो गया ये लेंडर हो गया, इसने लोन दिया है, और इस कंपनी ने लोन लिया है तो ये कंपनी कौन हो गई, बोरोवर। ये कंपनी कौन हो गई, बोरोवर। इसने लोन लिया है, उसने लोन दिया है, उसने लोन लिया है, बात समझ आती है। अब बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा जब इसने लोन लिया है तो इसने बदले में अपनी लैंड मॉर्गेज करी है किसके पास, इस बैंक के पास। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि ये मॉर्गेजर हो गया, जो बंदा मॉर्गेज करता है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजर, और जिसके पास मॉर्गेज की जाती है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजी, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेजी। और जिसके फेवर में ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है तो हम ये बोलते हैं कि भाई, हम ये बोलेंगे कि भाई इधर एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। हम क्या बोलेंगे, इधर एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब अपनी प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी कर दी। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। अब बड़ा ध्यान सुनना, ये चार्ज क्रिएट होने का मतलब समझ आ गया ना, जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज क्रिएट करना। यहां पे एक्स लिमिटेड अपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई बैंक के पास, तो हमने बोलेंगे कि एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, और इसका मतलब यह कि कल को अगर एक्स लिमिटेड लोन का पैसा टाइम पे चुका देती है तो वेल एंड गुड, अगर कल को एक्स लिमिटेड एसबीआई बैंक का पैसा वापस नहीं चुका पाई तो एसबीआई बैंक उस कंपनी की कोर्ट से परमिशन लेके प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन। तो यहां पे हम इस एसबीआई बैंक को चार्ज होल्डर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज होल्डर भी बोलेंगे, क्योंकि यहां पे एसबीआई बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। एसबीआई बैंक के फेवर में क्या क्रिएट हुआ है,
चार्ज क्रिएट हुआ तो हम एसबीआई बैंक को क्या बोलेंगे, चार्ज होल्डर भी बोलेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे को समझ आएगा कि चार्ज क्या होता है वगैरह वगैरह। और इसके लिए लॉ हमारा ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है सामने वाले के फेवर में, तो उस कंपनी की ये ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 77 कि वो आरओसी को एक फॉर्म फाइल करे, एक फॉर्म फाइल करे जिस फॉर्म का नाम है CSG-1। किसको फाइल करे? टू आरओसी। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 77 बोलता है। ये बात कौन बोलता है? कंपनी लॉ का सेक्शन 77। इसमें ना दो फॉर्म जाते हैं चार्ज क्रिएट होते वक्त, एक होता है CSG-1, एक होता है CSG-9। CSG-1 और CSG-9 में फर्क क्या है? देखो, लोन ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लोन, आपने कंपनी ने लोन लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बैंक से, उसे हम बोलते हैं टर्म लोन। उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म लोन। एक होते हैं डिबेंचर की फॉर्म में लोन, कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और बदले में लोन लिया। अल्टीमेटली है तो दोनों लोन ही। तो अगर कंपनी नॉर्मल लोन ले रही है तो CSG-1 फॉर्म जाएगा, अगर कंपनी लोन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ले रही है, डिबेंचर की फॉर्म में लोन ले रही है, तो फॉर्म CSG-9 जाएगा आरओसी को। कितने दिन में? चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन में। ये तो मैंने तुम्हारे को चार्ज का बेसिक कंसेप्ट समझाया कि जब चार्ज क्रिएट कर लगा था किसी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करना। सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? किसी के पास कोई चीज गिरवी रखना और बदले में उससे लोन लेना, और कल को अगर हम उसकी प्रॉपर्टी का, अगर हम उसका लोन का पैसा नहीं चुका पाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। चार्ज का कंसेप्ट हो गया। जो बंदा प्रॉपर्टी गिरवी करता है उसे हम मॉर्गेजर बोलते हैं या बॉरोअर बोलते हैं। जिसको पास गिरवी की जाती है उसे मॉर्गेजी बोलते हैं या चार्ज होल्डर भी बोलते हैं, क्योंकि उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया। और इसके लिए कंपनी लॉ के सेक्शन कौन कौन से हैं? 77 से 87 है, जो कंप्लीट चार्ज में डील करते हैं। उसमें से जब फॉर्म कौन सा फाइल करना है वो बात कौन करता है? सेक्शन 77। अब यहां पे एक छोटा सा रूल ऐड हुआ है। इसमें क्या बोलता है? नथिंग कंटेंड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 इन फेवर ऑफ आरबीआई व्हेन एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट अंडर सब क्लॉज डी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 17। एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट, इसका मतलब क्या? ध्यान सुनना, ऑफ द आरबीआई एक्ट। अच्छा, एक समझना, देखो ऐसा भी तो होता है, सुनना बड़े ध्यान से, इस पॉइंट को समझना, बस तुम्हारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे लोन लेने वाली कौन है? कंपनी। देने वाला कौन है? बैंक। अच्छा, जब बैंक लोन दे रहा है तो आपको पता होगा इंडिया में बैंक्स के ऊपर जो एक्ट लगता है वो कौन सा लगता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंडिया में, अगर इंडिया में कोई भी बैंक काम कर रहा है, भले वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, इंडिया में बैंक्स के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, बैंक्स के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जिसका नाम क्या होता है? बैंकिंग, जिस एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुम्हारे को बताया, अगर लेने वाले, हमें फोकस करना है बोरोवर पे, अगर लेने वाला बोरोवर एक नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। लेने वाला बोरोवर अगर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। देने वाला बैंक है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, लेकिन लेने वाला तो कंपनी है ना, एक नॉर्मल कंपनी, और कंपनी के ऊपर तो कंपनी एक्ट लगता है। अगर बोरोवर कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना वो क्या बोलता है, और इसके अंदर एक चीज और आपको पता होगा, बैंक के ऊपर एक एक्ट और लगता है, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बैंक्स के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है और आरबीआई एक्ट भी लगता है, ये दो एक्ट लगते हैं। मैंने क्या बोला, अगर लेने वाला बंदा जो लोन ले रहा है वो नॉर्मल कंपनी और देने वाला बैंक है तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन ही फॉलो करने हैं। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा ऐसा होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, ऐसा भी होता है ना, या कोई कंपनी ही इतनी बड़ी है कि वो बैंक को लोन दे रही है। तुमने इंटरबैंक लोन सुना होगा, इंटरबैंक लोन मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को सपोर्ट करता है, लोन देता है। कभी कभी बैंक डूबने वाला होता है तो उसको दूसरा बैंक सपोर्ट करता है। आपको पता होगा यस बैंक डूब रहा था तो एसबीआई ने उसकी मैनेजमेंट में भी हेल्प करी थी और फंडिंग में भी हेल्प करी थी, तो एक बैंक दूसरे बैंक को हेल्प करता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर लेने वाला बैंक भी एक बैंक ही है, मतलब लेने वाली जो बोरोवर कंपनी है वो भी एक बैंक ही है, तो उस केस के अंदर वो कह रहा है कि कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे जो इस रूल में लगे हुए हैं चार्ज क्रिएट करते वक्त,
वहां पे सेक्शन 77 वाले ये नहीं लगेंगे बाय बैंकिंग कंपनी, वहां पे कौन से प्रोविजन लगेंगे, आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे अगर वो कोई एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट। लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट का मतलब है अगर किसी बैंक ने लोन लिया है तो उसके ऊपर आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे, कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लो एक बैंक वन है एक बैंक टू है, मान लो बैंक वन ने बैंक टू को लोन दिया है 100 करोड़ का और बैंक टू ने बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, ठीक है। तो यहां पे जो बैंक टू हो गया इसे हम कह सकते हैं कि बोरोवर है, इसने लोन लिया है ना, और इसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है तो इसे हम मॉर्गेजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉर्गेजर। इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है। और यहां पर जो बैंक टू है ये कौन हो गया? लेंडर। और इसको हम मॉर्गेजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉर्गेजी भी बोल सकते हैं। और इसी को हम बैंक वन को चार्ज होल्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया। तो यहां पे देने वाला भी बैंक है और लेने वाला भी बैंक है ना। अगर यहां पे बोरोवर बैंक है, बोरोवर पे फोकस करना है, अगर बोरोवर बैंक है तो वो कह रहा है कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे, आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे आरबीआई एक्ट के। अगर बोरोवर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। तुम बोरोवर पे फोकस करो, लेंडर को इग्नोर कर दो। फोकस किस पे करना है? बोरोवर पे। लेने वाला बंदा अगर बोरोवर है, बोरोवर जो है अगर वो नॉर्मल कंपनी है एज पर कंपनी है तो कौन से प्रोविजन लगेंगे? कंपनी एक्ट के। अगर लेने वाला वो कह रहा है कि बैंक है, लोन लेने वाला बैंक है तो उस पर कौन से प्रोविजन लगेंगे? आरबीआई एक्ट के। तो यही कह रहा है, नथिंग कंटेंट दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77। चार्ज क्रिएट किसने करा है? बैंक ने करा है। मतलब बैंक कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है, किस लिए करवा रहा है? इन फेवर ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 77, इन फेवर ऑफ आरबीआई व्हेन एनी लोन एडवांस हैज बीन मेड टू इट अंडर सेक्शन आरबीआई। यहां पे लेने वाला बंदा कौन है? यहां पे देने वाला जो बंदा है वो आरबीआई है। यहां पे इसको भी फोकस करो, इस पे भी फोकस करो। देने वाला बंदा कौन है? आरबीआई। कह रहा है लेने वाली कंपनी बैंक है। ये वो वाली बात हो रही है कि जहां पे बैंक आरबीआई से लोन लेता है, आपने सुना होगा ना, बैंक को कई बार जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से भी लोन लेता है। इसको ऐसे कर दो, बैंक टू की जगह आरबीआई कर दो, वो ज्यादा बेटर है। बैंक है उधर, बैंक है इधर आरबीआई है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने आरबीआई के फेवर में लोन क्रिएट करा है, चार्ज क्रिएट करा है और आरबीआई से आपने लोन लिया है तो कह रहा है उस केस में आरबीआई एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, कंपनी एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये बात समझ आती है? बस ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे चार्ज की अमेंडमेंट थी जो खत्म हो गई, ठीक है। और नॉर्मल चार्ज क्या होता है आपको समझ आ गया। तो अब लाइन को दोबारा पढ़ लो, क्या पढ़ रहा है? नथिंग कंटेंट इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड। कोई भी इस मतलब इस रूल्स के अंदर जो चार्जेस के नॉर्मल प्रोविजन है कंपनी एक्ट के सेक्शन 77 वाले, वो अप्लाई नहीं होंगे इन रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय बैंकिंग कंपनी। वो चार्ज क्रिएट कौन कर रही है? बैंकिंग कंपनी क्रिएट कर रही है। हमारे एग्जांपल में चार्ज क्रिएट कौन कर रही है? बैंकिंग कंपनी क्रिएट कर रही है। बैंक क्रिएट कर रहा है ना किसके फेवर में? आरबीआई के फेवर में। देखो आगे लिखा है इन फेवर ऑफ आरबीआई। देख किसको रहा है? वो आरबीआई को। मतलब आरबीआई के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है और बदले में आरबीआई से लोन ले रहा है। तो कह रहा है ऐसे केस में आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई के कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे। बात समझ आ गई? ये थी अमेंडमेंट। कब आई है? 27/4/2022 को। 27/4/2022 को तुम्हारी चार्जेस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट खत्म हो गई। नेक्स्ट चैप्टर की देखते हैं। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है गाइस, अब हमारी प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई है वो आई है प्राइवेट प्लेसमेंट वाले सेक्शन में। किसमें आई है? प्राइवेट प्लेसमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब हम अपने शेयर्स, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स आइडेंटिफाइड पर्संस को देते हैं। आइडेंटिफाइड पर्संस का मतलब होता है कि हम जिनको जानते हैं। देखो दो कंपनी मेनली दो तरीके से ऑफर करती है। एक होता है पब्लिक इशू, जिसको खरीदना खरीद लो, वहां तो हम किसी को जानते नहीं होते। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट कि जिन जो इनको हम जानते हैं, जो हमारे आइडेंटिफाइड पर्संस हैं, जिनका पास कंपनी के पास जिनका लिस्ट ऑफ नेम है, कंपनी उन्हीं को अलॉट कर रही है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और उसका सेक्शन है 42। और सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ये बोलता है कि आप एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो सिक्योरिटीज का। और वो 200 की लिमिट जो है वो ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी की है। ईच काइंड का मतलब है इक्विटी शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग, प्रेफरेंस शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग, डिबेंचर के लिए 200 की लिमिट अलग। इसका मतलब एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक साल में 200 लोगों को ऑफर दे सकती है सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। और 200 मैंने बोला ईच के लिए, इसका मतलब देखा जाए तो 600 लोगों को भी ऑफर दे सकती है। अगर मान लो कोई कंपनी डिबेंचर भी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है, इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है, तो 200 600 लोगों को वह एक साल में ऑफर कर सकती है कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ही बोलता है। प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को होती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा समझा दिया।
जब हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, आइडेंटिफाइड पर्सन को जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जब हम उनको सिक्योरिटीज अलॉट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें क्या चीज आई है नई अमेंडमेंट में, एक छोटा सा पॉइंट ऐड आया है, वो ऐड हुआ ये वाला, ये है एक प्रोवाइडर प्रोवाइजो ऐड हुआ है ये वाला, और कब ऐड हुआ है 5/5/22 को, एक्सेप्शन है। ये क्या है, ये क्या सुनना पड़े ध्यान से, ये देखो ऊपर वाले रूल, रूल 14 में अमेंडमेंट आई है। रूल 14 किस चीज का, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का रूल 14 जो है उसमें अमेंडमेंट आई है। रूल 14(1) ओके है कि इसमें रूल 14(1) में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। रूल 14(1) के अंदर ही फिफ्थ प्रोविजन में एक चीज ये आई है, नो ऑफर और इनविटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन और अ नेशनल, नेशनल का मतलब है इंडिविजुअल, कोई वहां का बंदा एक ऐसी कंट्री का विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया अनलेस सच बॉडी कॉर्पोरेट और द नेशनल एज द केस में बी हैव ऑब्टेन्ड गवर्नमेंट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 एंड अटैच द सेम विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। अब इसका मतलब क्या है, समझना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। अब हम प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है पेपर में आएगी, मेरे को लगता है ये वाली अमेंडमेंट पेपर में आएगी। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर का नाम हो गया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर का नाम हो गया। इसके अंदर एक प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर कौन सा है, 42। सेक्शन कौन सा है, 42। इसी के अंदर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे हम सिक्योरिटीज अलॉट करते हैं किसको, टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा यहां पता है क्या होता है, यहां पे पता है क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी अलॉट करती है तो कंपनी क्या करती है, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड मान लो ये ए बी सी इन तीन लोगों को सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है। जब मैं बोलूं सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, इसमें शेयर डिबेंचर सब कुछ कवर होता है। मैं शेयर्स क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि शेयर में खाली इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आते हैं, लेकिन जब मैं बोलूं सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सब कवर होता है। और सेक्शन 42 सिक्योरिटी की बात करता है, शेयर की बात नहीं करता, मतलब सेक्शन 42 सब में डील करता है। तो अगर मान लो ये कंपनी इनको सिक्योरिटी अलॉट करना चाहती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर मान लो ये कंपनी सिक्योरिटी अलॉट करना चाहती है इन एबीसी को थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये करना चाहती है तो ये ना पहले इनको एक ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगी। क्या भेजेगी, ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या है, कि कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि भाई हम तुम्हारे को इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं या इतने डिबेंचर बेचना चाहते हैं, क्या तुम खरीदोगे, अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी साथ में है, भर के दे देना कि हाँ मैं इतने शेयर खरीदने को तैयार हूं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देना। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म। क्यों बोल रहे हैं, कि जो कंपनी उनको ऑफर लेटर भेज रही है कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो या डिबेंचर खरीद लो, उस ऑफर के लेटर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगाकर भेजती है कि भाई हमारी कंपनी के अगर तुम शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो खरीदने में तो हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई मत करना, बात खत्म। ये तो हो गई नॉर्मल केस। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड मान लेते हैं ये इंडियन कंपनी है, एंड मान लो अगर ये अपने शेयर्स अलॉट करना चाहती है, सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है, सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है किसको, और सिक्योरिटीज अलॉट कैसे करना चाहती है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मान लो ये अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, किसको अलॉट करना चाहती है, या तो किसी
बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर किसी फॉरेन नेशनल को। और वो बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन नेशनल कहां के बंदे हैं? एक ऐसी कंट्री के विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब उनका और हमारा बॉर्डर टच करता है, लैंड बॉर्डर उनका और हमारा टच करता है। अच्छा, किस किस का लैंड बॉर्डर टच करता है हमारे इंडिया के साथ? आपको सारे एग्जांपल ऑलरेडी पता है। पाकिस्तान टच करता है? यस। क्या चाइना टच करता है? यस। क्या श्रीलंका टच करता है? यस। क्या अफगानिस्तान भी टच करता है? एटसेट्रा। तो मैं दिखा भी देता हूं गूगल पे कि जिन जिन कंट्रीज के लैंड बॉर्डर टच करते हैं हमारे इंडिया के साथ। कंट्रीज विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो इन सबके लैंड बॉर्डर हमारे से क्या करते हैं? टच करते हैं। तो वो ये कह रहा है, इस सात कंट्रीज के लैंड बॉर्डर टच करते हैं। वो कह रहा है अगर आप इन कंट्रीज के लोगों को, आप इन कंट्री के लोगों को या इस कंट्री की किसी कंपनी को हम इंडियन कंपनी के शेयर अलॉट कर रहे हो, सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप इनको अलॉट करना चाहते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। और किन रेगुलेशंस के अंदर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 के अंदर। आपको ये जो रूल्स है ना, ये फेमा के अंदर है। हमारे इंडिया में एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ आता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये बाहर की कंट्री है, जब आप इनको सिक्योरिटीज अलॉट करोगे तो ये लोग जो पेमेंट करेंगे क्या वो इंडियन करेंसी में होगी या बाहर से आएगी? बाहर से आएगी। तो आपको पता है जब भी कोई कंट्री से करेंसी बाहर से इंडिया में आती है या इंडिया से कोई करेंसी बाहर जाती है, अगर हमारा कभी भी कोई डीलिंग फॉरेन कंट्री से होती है तो इंडिया में फेमा लगता है। उसके लिए एक्ट लगता है, कौन सा फेमा? जैसे ही इंटरनेशनल एंगल आ जाएगा हमारी ट्रांजेक्शन में, इंडिया का किसी और से पैसे का लेन देन हो रहा है, मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इंडियन करेंसी बाहर जा रही है दूसरी कंट्री में, बाहर से कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो क्या लगता है? फेमा लगता है। तो उसी के अंदर एक रूल्स है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपकी इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है किसको? एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, या एक ऐसे नेशनल को, नेशनल मतलब एक उधर का जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, जो कि एक ऐसी कंट्री के लोग हैं, जो कंट्री ऐसी है जो हमारे साथ क्या करती है? लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसका लैंड बॉर्डर हमारे बॉर्डर से टच करता है। अनलेस सच बॉडी कॉर्पोरेट और द नेशनल एज द केस में बी हैव ऑब्टेन्ड गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब एक गवर्नमेंट अप्रूवल इस कंपनी को नहीं लेना है, गवर्नमेंट अप्रूवल इनको लेना है। किनको लेना है? उन लोगों को जो हमारी इस इंडियन कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा अगर जब ये कंपनी इनको सिक्योरिटीज अलॉट करेगी तो इन लोगों को पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस रूल के अंदर? किस रूल के अंदर? इन वाले रूल्स के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारी सरकार से, भारत सरकार से, जब हमारी कंपनी की क्या लेंगे? सिक्योरिटीज लेंगे, इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज लेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लेंगे। तो और गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें समझ आता होगा ऐसा क्यों करा इन लोगों ने, क्योंकि इंडिया से टच करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान वगैरह की इंडियन कंपनी में कर ले। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो हमारी इंडियन किसी बड़ी कंपनी को कंट्रोल करने लग जाए और अपने हिसाब से हमारे इंडिया में डिसीजन इफेक्ट कराए। वैसे तो मान लो कि जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि वो हमारे रिलायंस के बहुत मोटा स्टेक ले ले। मुकेश अंबानी की इतनी औकात है मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि पूरा पाकिस्तान ही खरीद सकता है, है ना? पता नहीं क्या था कि मुकेश अंबानी, पता नहीं मैंने क्या पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ था वो पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है, पता नहीं क्या, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था बहुत पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वैसे तो पाकिस्तान वाले आपको पता है कि हमारे इस इंडियन कंपनी में बहुत हैवी स्टेक इनकी बस की नहीं है, लेकिन स्टिल लॉ मेकर ने पहले एक प्रोविजन बना दिया कि अगर वो बाहर के लोग हमारी इंडियन कंपनी के, और बाहर की कौन सी कंट्री के लोग जो हमारे इंडिया से लैंड बॉर्डर टच करती है, चाइना पाकिस्तान वगैरह, अगर हमारी इंडियन कंट्री इंडियन कंपनी के शेयर्स डिबेंचर में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारी इंडियन कंपनी उनको ऑफर दे रही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किन रूल्स के अंदर? फॉरेन एक्सचेंज अमेंडमेंट नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 के अंदर। कब आई है अमेंडमेंट?
5/5/2022 को आई है, यही अमेंडमेंट है, खत्म हो गई, ठीक है ना। अब करते हैं डायरेक्टर्स वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। अब किसमें अमेंडमेंट आई है? डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में। अब डायरेक्टर वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आई है, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सिंपल अमेंडमेंट है दो। पहली अमेंडमेंट आई है डिन वाले सेक्शन के अंदर, सेक्शन 153 में नहीं आई है, अमेंडमेंट 153 में नहीं आई है, 153 में छोटी सी अमेंडमेंट है मेनली, तो मेन के मेन जो अमेंडमेंट है वो 153 154 दोनों में सेम सी है, छोटी छोटी अमेंडमेंट है, बता देता हूं क्या है। सेक्शन 153 डिन में डील करता है। डिन क्या है सुनना ध्यान से, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इंडिया में अगर कोई भी बंदा किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो ये प्री रिक्वायरमेंट है कि उसको पहले क्या लेना पड़ेगा, डिन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट होता है ना, वो अकाउंट नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होती है। अच्छा, मान लो मेरा नाम रमनदीप है, ऐसे 100 लोगों का नाम रमनदीप होगा, 100 लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी, लेकिन मेरे बैंक में मेरा अकाउंट हो सकता है मेरे नाम के और भी कई लोगों का अकाउंट हो, लेकिन सबकी पहचान कैसे होती है, उनके अकाउंट नंबर से। सिमिलरली एक नाम के कई डायरेक्टर होंगे अलग अलग कंपनी में, और हो सकता है एक कंपनी में ही सेम नाम के डायरेक्टर हो, सेम डेट ऑफ बर्थ के डायरेक्टर हो, सेम एज के डायरेक्टर हो, तो उनकी पहचान कैसे होगी, उनके डिन नंबर से। उनकी पहचान कैसे होगी, उनके डिन नंबर से। उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में अगर कोई भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको एक नंबर लेना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हम शॉर्ट में डिन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिन नंबर भी बोलते हैं। एक ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या होता है ये, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो जो भी बंदा कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसको लेना होता है। जैसे तो मैं दिखा भी देता हूं हर किसी डायरेक्टर के, और एक बड़ा इजीली ट्रैक किया जा सकता है। देखो वाईफाई की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो लैन केबल लगी हुई है, चल कोई नहीं। एमसीए पे गए, मिनिस्ट्री की साइट पे गए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहां पे हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज में। यहां पे आ रहा है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, ये रहा, इसमें गए। यहां पे मान लो मैंने किसी भी कंपनी का नाम डाल दिया, रिलायंस डाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो गलत डाल दिया मैंने, की पेप्ट खुल गया। देखो रिलायंस की डिटेल खुल गई। अब जब मैंने रिलायंस की डिटेल खोली तो नीचे चलते हैं, पहले तो तुम ऊपर ही देख लो थोड़ा सा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ये इनकी ऑथराइज कैपिटल है 0000, गिनते रहो बैठ के कितनी है ना। रजिस्टर्ड एड्रेस इनका ये रहा, नरीमान पॉइंट मुंबई, 3rd फ्लोर चैम्बर, ये इनका एड्रेस है। नीचे की तरफ चलते हैं इसके डायरेक्टर्स में, ये रहे, ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स है। देखो इसमें 3rd नंबर पे आ रहा है मुकेश धीरूभाई अंबानी, इनके आगे देखो लिखा हुआ डिन नंबर 0001695। देखो जो कंपनी के डायरेक्टर है ना उनके आगे डिन नंबर है, और जो कंपनी के सीएस वगैरह हैं उनके आगे पैन नंबर है। जैसे आपको पता होगा ये सावित्री पारेख उनकी सीएस, आई थिंक पहले एक सेतु रमन थे, सेतु रमन मेरे ख्याल से अब नहीं दिख रहे हैं, कुछ हुआ था वो छोड़ गए मेरे ख्याल से इस कंपनी को, अब नहीं है इसके अंदर। सेतु रमन थे पहले रिलायंस के सीएस, अब ये सावित्री पारेख हैं, ये है मेरे ख्याल से सीएस इस कंपनी की, तो इनके आगे इनका पैन नंबर है। और मुकेश धीरूभाई अंबानी का नाम आपको दिख रहा होगा, ये कौन है मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये तो आपको पता ही है। मुकेश अंबानी इस कंपनी के क्या है, डायरेक्टर हैं। और ये देखो नीचे नीचे वाले नंबर पर नीता मुकेश अंबानी, नीता अंबानी आपने नाम सुना होगा, ये इनका डिन नंबर है 1234567, 8 डिजिट्स का डिन नंबर होता है ये रहा। तो ये डिन नंबर था, हर डायरेक्टर का अपना होता है। तो आपको अगर इंडिया में डिन नंबर लेना है ना तो आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी को, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म DIR 3। डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, किस चीज का फॉर्म है,
डिन अप्लाई करने के लिए। अच्छा, जब आप ये फॉर्म फाइल करते हो ना तो एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। देखो लिखा है, सेक्शन एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR-3। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करोगे, ROC को। किस लिए? ताकि आपको क्या मिल जाए, डिन मिल जाए। फर्दर डिन टू बी प्रपोज, ये तो छोड़ दो इसको, ये वाली बात अभी मैं सारी समझाने वाली नहीं है। ये वो है कि अगर कंपनी बनते के टाइम पे आप डिन अप्लाई करोगे तो आपको पता है कंपनी का फॉर्म है अप्लाई करने के लिए स्पाइस प्लस, तो स्पाइस के अंदर ही 3 डायरेक्टर तक का डिन मिल जाता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें एक अमेंडमेंट क्या आई है कि अगर कोई ऐसा बंदा इंडिया में अपॉइंटमेंट देगा, लिखा है एज पर प्रोवाइजो टू रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इन अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द कंसेंट। आगे बात समझ आ गई। इसके लिए सीधी सी भाषा में वो ये कह रहा है अमेंडमेंट का भाई 122 को। अच्छा, दिन कौन लेता है? डायरेक्टर लेते हैं। और आपको पता है डायरेक्टर खाली नेचुरल पर्सन बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। तो कह रहा है नेशनल का मतलब एक नेचुरल पर्सन। नेशनल का मतलब क्या है? एक ऐसा नेचुरल पर्सन, मतलब ह्यूमन बीइंग, जो कि कहां का बंदा है? एक ऐसी कंट्री का बंदा है जो कि हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। वही वाली बात है, ऊपर वाले कंसेप्ट से तुम्हारे प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में भी अमेंडमेंट ही बताई थी। मतलब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या है? सॉरी, इंडिया कह रहा हूं पे तो मैं ही, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है? इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। इंडिया के साथ क्या कर रही है? लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक ऐसी कंट्री का नेशनल है, ऐसी कंट्री का बंदा है जो हमारे कंट्री की, इंडिया की कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, और उस कंट्री का बंदा हमारे इंडिया की किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसको भी डिन लेना पड़ेगा? डिन तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि खाली डिन से काम नहीं चलेगा, उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी। क्या ये सारे फॉरेन के लोगों के लिए? नहीं, ये सारी फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए नहीं है, ये खाली उन फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। टोटल 7 कंट्रीज हैं जो आप गूगल पे देखोगे, मेरे ख्याल से 7 ही, मैं तुम्हारे को भी दिखाई भी थी, मैं दिखा भी देता हूं, रुको। टोटल 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। लिखा गया 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, दिख रही है ना ये री? ठीक है, तो कह रहा है इन कंट्री के अगर कोई बंदा इंडियन कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, डिन तो उसको भी लेना है, तो जब वो डिन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको साथ में क्या लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि भाई मैं इन कंट्री में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। क्लियरेंस का मतलब है परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना? और वो परमिशन की कॉपी किसके साथ लगाएगा? वो अटैच विद द कंसेंट का मतलब है जब आप इंडिया में डायरेक्टर बनते हो ना, जब आप इंडिया में डायरेक्टर बनते हो तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, DIR-12। ये DIR के साथ कंसेंट, DIR-3 के साथ नहीं लगानी है वो कंसेंट। देखो DIR-3 के थ्रू आप डिन अप्लाई करते हो। DIR-3 का काम क्या है? आप डिन नंबर अप्लाई करते हो सरकार के पास, ठीक है? अभी इसके लिए भी बताऊंगा, इसके लिए भी कुछ करना है। डिन अप्लाई करते हो सरकार के पास, और जब एक बार आपको डिन नंबर अलॉट हो गया, वो जो 8 डिजिट का होता है, उसके बाद अब आप एक फॉर्म फाइल करोगे सरकार के पास DIR-12, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। किसमें डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में, कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में जो कि डील करता है। और साथ में आपको DIR-12 के अंदर ही एक फॉर्म लगाकर देना पड़ता है, DIR-2। DIR-2 होता है कंसेंट लेटर, जिसमें आप लिख के देते हो कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्म हो गए, तीनों का रोल समझ आया। मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, पहला स्टेप बन होगा कि मेरे को DIR-3 फाइल करके पहले डिन नंबर लेना पड़ेगा। जब मेरे को डिन नंबर अलॉट हो गया तो उसके बाद मैं उस कंपनी के अंदर DIR-12 वाला फॉर्म फाइल करूंगा। DIR-12 फॉर्म फाइल करने का लॉजिक क्या है कि भाई मैं आप तुम्हारी कंपनी को डिन नंबर मेरे को मिल चुका है, मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और डायरेक्टर बनने के लिए साथ में मेरे को एक कंसेंट लेटर लगाना पड़ता है DIR-2। ये DIR-2 इस DIR-12 के अंदर ही अटैच होकर जाता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, ये ना मेरा कंसेंट लेटर, मेरे को तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि तुम्हें दिक्कत नहीं है तो सामने कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी तुम किसी भी कंपनी में उठा के पहुंच जाओ मेरे को डायरेक्टर बना लो। ये सारा काम तब होता है जब सामने वाली कंपनी ने आपको अलाउ करा कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, उनके शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद ये काम चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को डायरेक्टर बना लो। अगर इस पर डिन नंबर पहले से है तो ओके, नहीं है तो पहले इसका डिन नंबर अप्लाई करवाएंगे DIR-3 में,
उसके बाद डीआईआर 12 फॉर्म फाइल करके उसको उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करवा देंगे, साथ में डीआईआर 2 लग के जाएगा कंसेंट लेटर। उसी के साथ लग के जाएगा क्या, अगर वो डायरेक्टर ऐसी कंट्री का बंदा है, नेशनल है, जो कि एक फॉरेन कंट्री है जो कि हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो साथ में एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लियरेंस लेटर भी इसी के साथ लग के जाएगा कंसेंट के साथ। तो प्लस में क्या लग के जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये अमेंडमेंट आई है, क्लियरेंस लेटर लग के जाएगा। क्या ये हमेशा लग के जाएगा या सिर्फ रेयर केसेस में लग के जाएगा? जब कोई ऐसी कंट्री का बंदा हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी में जो हमारी कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तब लग के जाएगा। ये अमेंडमेंट आई है बस इस वाले में सेम। अब वो अलॉटमेंट वहां पे अपने डिन के लिए अप्लाई करा था, यहां पे आपको डिन नंबर अलॉट हो जाएगा 154 में, डिन नंबर आपको क्या हो जाएगा अलॉट। और इसमें वो यही बता रहे हैं कि जब वो डिन के लिए अप्लाई करोगे तब भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या लेना है, क्लियरेंस लेटर लेना है, डीआईआर 3 में लगा के भेजना है। तो देखो दो चीजें हो गई साला, दो बार आपको डीआर देखो लिखा है, प्रोवाइड नो एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड इन केस ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर डिन नंबर इज नेशनल और कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर ऑब्टेन क्लियरेंस। देखो दो बार लेना है तुम्हारे डिन नंबर, मतलब वो ये एक ही बार होगा, जिस टाइम हमने डिन नंबर के लिए अप्लाई करा उस टाइम हमने क्लियरेंस लेटर लिया होगा, तो क्लियरेंस लेटर मिल गया होगा कि आपको इंडिया में डायरेक्टर बनने के लिए अलाउड है। तो उसी क्लियरेंस लेटर की कॉपी एक बार कब लगाकर भेजनी, जब आप डीआर 3 में डिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दूसरी बार कब लगाकर भेजनी, जब आप डायरेक्टर बनने के लिए डीआर 12 का फॉर्म फाइल कर रहे हो साथ में डीआर 2 लगा रहे होगे, तो साथ में उस क्लियरेंस लेटर की कॉपी वहां भी लगाकर भेजनी है, ये नीचे वाले में। तो यहां पे इसमें डीआईआर 3 के साथ भी लगाकर भेजनी है उसी क्लियरेंस लेटर की कॉपी, और डीआईआर 12 के साथ भी लगाकर भेजनी है। आपको सिस्टम पता ही है कि कैसे चलता है, सबसे पहले हम डीआईआर 3 भेजते हैं, उसके बाद हम डीआईआर 12 भेजते हैं, क्योंकि पहले डिन नंबर लेंगे तभी तो डायरेक्टर पॉइंट होगा। तो जब हम डिन नंबर लेने के लिए जा रहे हैं सरकार के पास कि भाई मैं डीआईआर 3 फॉर्म फाइल कर रहा हूं, मेरे को डिन नंबर चाहिए, तो उससे पहले ही मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेटर लेना पड़ेगा कि भाई मैं एक ऐसी कंट्री का मेंबर हूं जो कि आपके इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और मैं आपकी कंट्री में क्या बनना चाहता हूं, आपकी कंट्री की इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। तो वो क्लियरेंस लेटर की कॉपी पहले तो डिन नंबर लेते वक्त अप्लाई कर दी है, तो उसके साथ लगाकर भेजनी है डीआर 3 में, और बाद में जब आपको डिन नंबर मिल गया उसके बाद डीआईआर 12 में दोबारा लगाकर भेजनी है डीआर 2 के साथ उस कंसेंट लेटर की कॉपी। ये थी अमेंडमेंट ये दो। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, ये क्या है देखते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट अमेंडमेंट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले टॉपिक में क्या है, पहले आपको ये पता होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। आपको पता है कंपनी में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब डेली बेस पे आते हैं, रोजमर्रा का काम टॉप लेवल पे देखते हैं। इसके अंदर आते हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स, एमडी वगैरह। एक होते हैं कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं देखते, पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, एडवाइस देते हैं, चले जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट है, इनका कंपनी में और कोई लेन देन नहीं है, ये पर्टिकुलर मीटिंग में आते हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, कंपनी के एम्प्लॉई नहीं होते, ये जितनी बार भी कंपनी में बोर्ड मीटिंग होगी एडवाइस देंगे, आएंगे एडवाइस देंगे चले जाएंगे, और इसके लिए इनको सिटिंग फीस मिलती है। पर बोर्ड मीटिंग की क्या मिलती है, इनको सिटिंग फीस मिलती है। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है ना, तो उसके लिए इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है IICA, वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। ये रहा, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही इंस्टीट्यूट है IICA, उन्हीं के अंडर आता है ये, IICA बोलते हैं, मानेसर गुड़गांव के अंदर ये है। अगर आपको इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये लोग, ये इंस्टीट्यूट एक एग्जाम कंडक्ट है, ऐसे आप CACSCM में बनते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ता है ना CACSCM में, ऐसे ही अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको इनका एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको मिनिमम 50% लेके आने पड़ते हैं तभी आपको एग्जाम क्वालिफाई करते हो। इसके लिए क्या होता है कि जो भी बंदा ये एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, जो भी बंदा ये एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो गवर्नमेंट का ना एक डेटा बैंक बना हुआ है। डेटा बैंक मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर गवर्नमेंट आपका नाम अपडेट कर देती है कि ये लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। और लॉ उसमें एक चीज और भी बोलता है, लॉ कहता है मान लो, वैसे तो नॉर्मली नाम डेटा बैंक में कब आता है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, लेकिन लॉ ने एक प्रोविजन और दे रखा है कि मान लो अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम नहीं दे रखा और आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो तो डलवा सकते हो, लेकिन डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने के विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बात समझ आ गई जी मैंने क्या बोला, कि गवर्नमेंट का जो डेटा बैंक है
इसके अंदर इंक्लूड होने के बाद आपको दो साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो दो बातें हो गई, दो बातें क्या क्या हुई। पहली बात ये कि मैं तुम्हारा क्या बताया कि पहली बात कि आप अगर इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले एग्जाम देना है, उसके बाद आपका डेटा बैंक में नाम डलेगा। दूसरा प्रोविजन ये है इस लॉ के अंदर ही, इसी रूल में लिखा, पूरा रूल तो नहीं पढ़ा रहा मैं, तो खाली अमेंडमेंट कराऊंगा ना तुम्हारे को। दूसरा प्रोविजन ये है इसके अंदर कि अगर मान लो आपने एग्जाम नहीं भी दे रखा और आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो डलवा सकते हैं, लेकिन आपको डेटा बैंक में नाम डलवाने के दो साल के अंदर अंदर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये प्रोविजन है यहाँ पे लिखा हुआ है सब रूल फोर में। सब रूल फोर ये रहा, एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम ऑलरेडी डेटा बैंक में इंक्लूडेड है उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर क्या करना पड़ेगा, नाम इंक्लूड होने के अपना नाम क्लियर क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मतलब वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जो IICA कंडक्ट करवा रहा है, कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट का मतलब वही IICA कंडक्ट जो करा रहा है, दो साल में क्लियर करना पड़ेगा नाम इंक्लूड होने के। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, दो साल में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, तो आपका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपका नाम उस डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। अब इसी के अंदर एक लास्ट में एक सब रूल 5 ऐड हुआ है, ये रहा एक नया सब रूल ऐड हुआ है। तो सब रूल 4 में था कि दो साल में आपको एग्जाम क्लियर करना है और अगर एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब वो नीचे बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल हुज नेम, ये नया रूल ऐड हुआ है सब रूल 5, हुज नेम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक अंडर सब रूल 4। अभी आपने ऊपर पढ़ा है सब रूल 4 के अंदर अगर आपने दो साल में एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपका नाम हटा देंगे। तो कह रहा है अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम हटा दिया गया है डेटा बैंक से, वो दोबारा अप्लाई कर सकता है अपना नाम डेटा बैंक में डलवाने के लिए ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ₹1,000 एंड द इंस्टीट्यूट शैल अलाउ सच रीस्टोरेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब अगर मान लो मेरा डेटा बैंक में पहले से नाम था और मेरा नाम मैंने क्योंकि दो साल में एग्जाम क्लियर नहीं करा तो उन्होंने मेरा नाम हटा दिया। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, मेरे को वापस अपना नाम डलवाना है, तो लॉ कहता है आप ₹1,000 की फीस पे करके सरकार को वापस अपना नाम रिस्टोर करवा सकते हो। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका नाम रिस्टोर होगा अब आपको रिस्टोर होने के बाद आपका एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा, आपके एक सेपरेट, आपका नॉर्मल डेटा बैंक में नाम नहीं डलेगा, आपकी एक सेपरेट कैटेगरी बनेगी, आपका उसके अंदर नाम डलेगा। इसमें वो लोग होंगे जो डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर मतलब वो वाले लोग जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं करा डेटा बैंक में नाम था, तो इन लोगों को वहां डाला जाएगा। और अब आप लोग ₹1,000 की फीस देकर अपना नाम रिस्टोर करवा रहे हो तो आपके एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा, इसका नाम होगा सेपरेट रिस्टोर कैटेगरी, आपकी अलग कैटेगरी बनेगी। अब आपको एक साल के अंदर अंदर अब आपका नाम रिस्टोर होने के वापिस एग्जाम क्लियर करना है। इसका नॉर्मल टाइम आपका कितना था, 2 साल, और 2 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना था डेटा बैंक में नाम डलवाने के, और 2 साल में अगर आपने नाम एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपको वो निकाल देंगे, आपका नाम डेटा बैंक से हटा देंगे। तो वो कहता है अगर आपने 2 साल आपका नाम उन्होंने डेटा बैंक से हटा दिया और आपका मूड बनना नहीं नहीं मैंने तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था और मैंने एग्जाम नहीं दिया ये मैंने गलती कर दी, तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है कोई बात नहीं आप ₹1,000 की फीस पे करके अपना नाम दोबारा डलवा लो, लेकिन अब एक सेपरेट डेटा बैंक मेंटेन होगा उसके अंदर आपका नाम डल जाएगा। और अब आपको जैसे आपका नाम रीस्टोर कर डेटा बैंक बनेगा, इसमें उन लोगों का नाम होगा जिनका जिन लोगों ने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई, रीस्टोर मतलब वापस अपना नाम डलवाने की एप्लीकेशन लगवाई है। और अब जैसे आपने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई है उसके 1 साल और आपने फीस पे करी उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो 1 साल के अंदर भी तो उसका नाम फिर आप डेटा बैंक से लिखा गया, इन केस ही फेल्स टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हिज नेम शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक एंड ही शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश अंडर सब रूल 1। इसका मतलब क्या, और आपने जो 1 साल के अंदर एग्जाम देना है अगर आप उस 1 साल में एग्जाम देते हो लेकिन फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा अलाउ कर रहे हैं कि आप सब रूल 1 में दोबारा अप्लाई कर लो। सब रूल 1 में दोबारा अप्लाई करने का मतलब क्या है, वापस सब रूल 1 बोल रहा है ये वाला कि वापस जाकर अप्लाई करो शुरू से अप्लाई करने का मतलब वही है कि दोबारा नाम डलवा लो और उसके बाद 2 साल के अंदर क्लियर कर लेना, सब रूल 1 वाली कैटेगरी में आप वापस आ जाओगे दोबारा वाला उस वे फिर एग्जाम क्लियर कर लेना। इसका मतलब ये हो गया, दो बातें होगी, पहला क्या, पहला आपको 1 साल के लिए आपको 2 साल का टाइम है, आप डेटा बैंक में नाम डलवाने के बाद 2 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर लो, 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो आपका नाम काट देंगे। अब आप उसके बाद ₹1,000 की फीस दे के क्या कर सकते हो, अपना नाम डेटा बैंक में दोबारा डलवा सकते हो, लेकिन अब आपको जैसे आपने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई तो आपको उसके 1 साल के अंदर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब मान लो आपने एग्जाम दिया लेकिन आप एग्जाम में फेल हो गए तो वो कह रहा है आपके पर वापस सब रूल 1 के दोबारा प्रोविजन लगेंगे, सब रूल 1 के दोबारा प्रोविजन लगेंगे। मतलब क्या, अब आप वापस सब रूल 1 में जाओगे मतलब कि आप दोबारा फ्रेश अप्लाई करो, फिर अप्लाई करने के बाद फिर 2 साल के अंदर अंदर एग्जाम दोबारा, तो फिर वही सिस्टम दोबारा चालू हो जाएगा लंबा वाला। ये आपका खत्म हो गया, आपका अमेंडमेंट फिनिश हो गई ये वाली भी, ठीक है जी, डायरेक्टर की आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म।